In this video, we are going to see some problems on differentiation of function of function. यानी differentiation of composite function भी कह सकते हैं. Function of function means composite function. इसे first question simple है, but इसे हमने सिर्फ इसलिए लिया कि इसमें degree है. आपको बताया था मैंने calculus में कोई भी काम करते हैं, कोई भी formula है जो standard limit का, differentiation का, आगे पढ़ेंगे integration का. तो वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है, दोज एंगल्स शुड बी मेजर्ड इन रेडियन. वो रेडियन में रहेगा तब वो सही मतलब होगा फॉर्मूला. जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कहते हैं, वेयर एक्स इज इन रेडियन. तो यहां पर आप देख रहे हैं डिग्री में है, तो इसको पहले क्या कर लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे. अब एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री है, तो एक्स डिग्री समझ सकते हैं 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन. तो इतना डिग्री क्या हो जाएगा, पाई एक्स बाई 180, और 45 को पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं. और अब समझिए कि हमारा फंक्शन ये स्टार्ट हुआ, वाई इक्वल्स दिस है. तो देयर फोर डी पाई बाई डी एक्स इक्वल्स, आप समझ सकते हैं ये डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4 हुआ. अब फंक्शन ऑफ फंक्शन समझ सकते हैं कि डायरेक्ट फंक्शन किसका है, पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4 डायरेक्ट फंक्शन इसका है ना. तो पहले हम टेन को डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में. अगर थोड़ा प्रैक्टिस हो तो डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख सकते हैं एक लाइन में, बट अभी मैं लिख रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन है डी वाई किसके रिस्पेक्ट में, तो डी ऑफ यहां पूरा लिखेंगे पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4, यानी टेन के साथ जो भी है उसके रिस्पेक्ट में. इसका डीसी तो टेन पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4 का, और चेन रूल से फिर क्या कहेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ. अब आप समझ सकते हैं कि बाकी इसका डीसी तो हो ही जाएगा किसका, तो पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4. यू प्लस वी फॉर का इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम लोग. अब दिस इक्वल्स टेन इतना का डीसी इतना के रिस्पेक्ट में, से का स्क्वायर इतना हो जाएगा, यानी से का स्क्वायर पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4 और इनटू. अब इसका कैसे डीसी निकालेंगे, इसका डीसी प्लस पाई बाई 4 का डीसी, पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, और पाई एक्स बाई 180 का डीसी, पाई बाई 180 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और एक्स का डीसी 1 होगा. मतलब ये पाई बाई क्या हो गया, 180 हो गया. और इस तरह से हमारा आंसर जिस फॉर्म में जनरली रहता है, यहां चूंकि डिग्री में एंगल था, तो वापस आंसर देखते समय आप समझ सकते हैं सेक स्क्वायर, इसको अगेन अगर डिग्री में कन्वर्ट कर ले तो एक्स डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, फालतू में क्या हो गया पाई बाई 180 से सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर. और अगर डायरेक्ट ऐसे कर लेते तो डायरेक्ट आपका आंसर ये आता पाई बाई 180 छूट जाता है ना. तो थोड़ा डिग्री रहेगा तो ये सावधानी हमें बरतना है. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई इक्वल्स 2 की पावर एक्स क्यूब. तो इसमें ये तो पता है ना आपको 2 की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम e की पावर एक्स ln 2 लिख सकते हैं, और इसका डीसी क्या हो जाएगा, तो e की पावर कुछ का भी डीसी वही रह जाता है एक्स ln 2, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो e की पावर जो एक्स ln 2 है इसके रिस्पेक्ट में होगा. फिर मल्टीप्लाई करेंगे चेन रूल से एक्स ln 2 जिसके रिस्पेक्ट में हमने किया इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, उसको फिर करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में, और एक्स रिस्पेक्ट में एक्स एल एन टू का क्या होगा, एक्स का डीसी 1, एल एन टू तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा एल एन टू. तो इस तरह से हम लोग याद रखते हैं जनरलाइज में ए की पावर एक्स का जो डीसी होता है, अगले स्टेप तो समझ रहे हैं कि पावर एक्स एल एन टू को हम लिख सकते हैं 2 की पावर एक्स और इंटू एल एन टू. एल एन टू मतलब लॉग 2 बेस ई पर. अब ए की पावर एक्स का डीसी देर पर हम याद रख सकते हैं ए की पावर एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई पर, सही है. यानी कोई भी कांस्टेंट पर कुछ भी पावर रहेगा वेरिएबल, तो उसका डीसी क्या होगा, तो वो कांस्टेंट पर वही पावर वेरिएबल इनटू जो कांस्टेंट है बेस पर उसका लॉग बेस ई पर. तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स क्यूब. अब दिस इक्वल्स आप समझ सकते हैं डी बाई डी ऑफ, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में.
किसको 2 की पावर x क्यूब को, और फिर x क्यूब डायरेक्ट x का फंक्शन है d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, चेन रूल लगा दिए। अब 2 की पावर कुछ का भी डीसी क्या होता है, वही 2 की पावर कुछ रह जाता है, साथ में ln 2 हो जाता है गुना, और इन टू एक्स क्यूब का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इस तरह से ये 3x स्क्वायर इंटू 2 की पावर x क्यूब इंटू ln 2 हो गया, है ना। तो अभी थोड़ा सा हम स्टेप भी ऐसे लिख रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा प्रैक्टिस इतना हो जाना चाहिए ना कि हम एक सेंटेंस में, जैसे यही क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ये लिखने के बाद हम इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं, इस स्टेप को डायरेक्ट टेन का डीसी सेक स्क्वायर जो है वो लिख देंगे, और इस जो पर आप कंसंट्रेट करेंगे इसका डीसी फिर गुणा करना है इसमें, तो जाहिर इसका डीसी डायरेक्ट एक्स का फंक्शन ये हो ही जाएगा। वैसे ही 2 की पावर एक्स क्यूब का डीसी डायरेक्ट हम 2 की पावर एक्स क्यूब लिखेंगे, और फिर 2 है तो ln 2 करेंगे, बट ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, 2 की पावर जो एक्स क्यूब है उसके रिस्पेक्ट में हुआ है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स क्यूब का डीसी जो कि क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन फिर हमने लिया है, पहले से देखते हैं, अब देख रहे हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझ सकते हैं ये रूट है तो पावर हाफ है, हमने क्या समझा था कुछ पर भी पावर हाफ रहेगा तो हाफ पीछे आएगा, और ये जो छिपा हुआ है इस पर हाफ माइनस वन हो जाएगा, यानी किसके रिस्पेक्ट में, रूट के अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो इसे हम डी बाई डी यहां पर क्या लिखना होगा हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसके रिस्पेक्ट में हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट को हम पावर हाफ समझ सकते हैं, फिर गुना। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट एक्स का फंक्शन समझ सकते हैं, यू बाई वी फॉर्म में फॉर्मूला से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इसको आप थोड़ा डायरेक्ट समझने का प्रयास कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अगर रहेगा तो ये हाफ पावर पीछे आएगा, एक्स की पावर हाफ माइनस वन होगा, मतलब हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ होगा, जिसको कि वन बाई टू, और एक्स की पावर माइनस हाफ को नीचे करेंगे तो एक्स की पावर प्लस हाफ हो जाएगा, मतलब नीचे रूट एक्स हो जाएगा, तो रूट एक्स का डीसी वन बाई टू रूट एक्स, यानी रूट समथिंग का डीसी वन बाई टू रूट समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट समथिंग। यहां पर क्या है, इतना बड़ा चीज पर पावर हाफ है, तो इसके डीसी को हम कह सकते हैं वन बाई टू, और रूट एक्स यहां पर क्या हो जाएगा इसका रूट, यानी टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका काम हुआ। फिर इनटू इसके डीसी की बात करें, यह यू बाई वी फॉर्म का है ना, यू बाई वी का डीसी क्या होता है, नीचे वी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर नीचा यानी डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है नीचे वाला फंक्शन, ये मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी। आप समझ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यू प्लस वी फॉर्म का है, तो ए स्क्वायर का डीसी जो कि जीरो है, और माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी मतलब माइनस टू एक्स, और फिर माइनस ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इन टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी, ए कॉन्स्टेंट है जीरो और एक्स स्क्वायर का डीसी टू एक्स। आप समझ सकते हैं बस इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है ना, यहां पर देख सकते हैं माइनस टू एक्स है प्लस टू एक्स है, बेहतर होगी यहां पर 2x कॉमन ले लें ऊपर, तो यहां पर क्या बच जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो देख रहे हैं यहां पर माइनस साइन के साथ माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां अगर 2x कॉमन लेंगे तो माइनस साइन के साथ ये बचेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर का कैलकुलेशन हो गया डिवाइडेड बाई। अब इसकी बात करें ये 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है उसको ऊपर कर देंगे इनटू रूट ए स्क्वायर। ये देखिए कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा समझाने जैसी बात नहीं है, डिफरेंशिएशन का काम हो गया, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं जैसे आपको समझ में आता है। नीचे वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर यहां कर दिए थोड़ा अरेंज करके, और नीचे कौन रह गया, ये रह गया है, इसको यहां लिख दिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर टू। इसमें समझने जैसी ज्यादा बात है नहीं, इस सेंटेंस तक थोड़ा समझना था जो डिफरेंशिएशन का वर्क था, है ना। और अब तो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, सिंपली समझ सकते हैं ये टू टू भी क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस टू ए स्क्वायर एक्स, माइनस टू ए स्क्वायर एक्स, और नीचे की बात करें आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर टू है। ये हाफ नीचे भी कर लें तो टू में हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्री बाई टू होगा ना, और यहां पहले से क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये टू टू कर चुका है, टू क्यों आया, क्लियर है ना, ये माइनस टू ए स्क्वायर ये बचा है, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर करने के बाद इसलिए टू आया है, चलिए ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। ऐसे कैलकुलेशन सावधानी से करें, थोड़ा देख लेंगे कहीं अगर कुछ छूटता है प्लस माइनस के का लगता है तो उसको देख लेंगे, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, है ना। इसके बाद इसकी बात करें, मोर ऑफ लेस ये भी ऐसा ही है, बट यहां पर चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एक तरीका ये हुआ कैसे कि जैसा सीधा डिफ्रेंशिएट कर दें चलेगा वो भी, लेकिन अगर कुछ इसमें ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकें जो शायद थोड़ा छोटा हो जाए तो हमें सुविधा होती डिफरेंशिएट करने में, तो थोड़ा दिमाग लगाए हम, अगर हम इस रूट के अंदर वन प्लस साइन एक्स है और यहां वन प्लस साइन एक्स से फिर गुना कर दें, इसको हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि ऐसा करेंगे तो नीचे 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा जो कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ऊपर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है ना, तो रूट से ये फ्री हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और डिनोमिनेटर के प्लेस पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट करेंगे तो कॉस एक्स। तरीका यह था कि ये मॉड के अंदर होता लेकिन जनरली उतना है ना उतना लोग करते नहीं है, सिंपल लिख देते हैं, है ना। अब पता है ना कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अगर है तो बाहर मॉड एक्स बन के निकलेगा, तो यहां मॉड होना चाहिए था, फिर डिफरेंट केस में कि अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है कहां पॉजिटिव हुआ कहां नेगेटिव हुआ अकॉर्डिंगली ये होता है, लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ है ना तो हम लोग सिंपल केस ही मान के चलते हैं वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट यही आएगा ऐसा समझ के, है ना, ऐसे कंसेप्चुअली ये गलत है ये लिखना, ये बार बार आपको समझाते रहते हैं। और देखिए इससे फायदा में क्या हुआ कि अब अगर एक बार 1 बाई कॉस एक्स कर लें अलग अलग इसे और एक बार साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर लें तो इस तरह से ये सेक एक्स हो जाएगा और प्लस टेन एक्स हो जाएगा। देख रहे हैं कहां इसका डिफरेंशिएशन कहां इसका डिफरेंशिएशन, सिंपल एक सेंटेंस हो जाएगा दोनों का फॉर्मूला में पता है, एंड देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, समझ सकते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ ये लिखेंगे और ये यू प्लस वी फॉर्म का है तो अलग अलग हम डी बाई डी एक्स कर लेंगे, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही छोड़ दें या सेक एक्स चाहे तो कॉमन ले लें, सेक स्क्वायर एक्स से एक सेक निकलेगा तो सेक एक्स हो गया, यहां से एक सेक निकला तो टेन एक्स बच गया, यानी sec x इंटू ब्रैकेट में sec x प्लस टेन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर दो क्वेश्चन में लिखा है इधर आप देख रहे हैं y इक्वल्स log cos x माइनस cot x, पहले से देखते हैं हो सकते हैं इसमें कुछ ज्यादा दिमाग ना लगाए, सिंपली डिफरेंशिएट करने से दिमाग लगा सकते हैं आप इसे 1 by sin cos by sin करेंगे sin LCM आएगा 1 minus cos x by sin x, 1 minus cos x को 2 sin square x by 2 है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हमें कुछ ज्यादा परेशानी से नहीं दिख रहा है, dy by dx
equals d by dx of log of cosec x minus cot x. अब दिस इक्वल्स समझ सकते हैं d by log के साथ जो है उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे d cosec x minus cot x, यानी इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, इसका log of cosec x minus cot x का, और फिर चलिए ये क्वेश्चन बनाएंगे तो घर में डालेंगे लगातार लिखते हैं into, अब cosec x minus cot x का डीसी x के रिस्पेक्ट में जाहिर हो जाएगा u minus v फॉर्म का है, u का डीसी v का डीसी दोनों का डीसी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जानते हैं, तो ये d by dx of cosec x minus cot x हो गया। अब समझ सकते हैं log का डीसी मैंने शुरू में ही कहा था सारा फॉर्मूला है दिमाग में तभी दिमाग काम करेगा, log तो log के साथ कुछ भी है इसको ज्यादा हम देखेंगे नहीं, सीधे log का काम पहले करेंगे जो है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो 1 by that thing जो भी इसके अंदर है log x का 1 by x, तो log cosec x minus cot x का 1 by cosec x minus cot x, ये हो गया 1 by cosec x minus cot x into, अब इसका डीसी cosec का डीसी हमें पता है ये होता है minus cosec x into cot x, अब minus cot x तो cot x का डीसी होता है नेगेटिव ऑफ cosec स्क्वायर x, एक नेगेटिव प्लस था जिसको प्लस कर दिए, इसका डीसी माइनस में आता थी माइनस प्लस प्लस हो गया, और इस तरह से थोड़ा ध्यान दें अगर cosec x यहां कॉमन ले लें तो ये cosec x माइनस cot x बचेगा जो कैंसिल हो जाएगा, इससे थोड़ा सा एक स्टेप का हम यहां फाकी मार रहे हैं, तो cosec x यहां कॉमन लिया हमने ब्रैकेट के अंदर cosec x माइनस cot x बच गया, cos x निकल ही गया और ये इससे कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, जो कॉमन cosec x लिए वो रह गया, ठीक है। अब फिर चलिए इसको यहां कर रहे हैं y equals e की पावर tan इनवर्स रूट x, समझ सकते हैं सबसे पहले क्या करेंगे e का काम करेंगे, e पर जो भी है e पर पावर वही रह जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में tan इनवर्स रूट x के रिस्पेक्ट में, फिर tan इनवर्स का डीसी क्या होता है तो 1 by 1 प्लस tan इनवर्स के साथ जो है उसका स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में tan इनवर्स के साथ जो है उसके रिस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स का डीसी एक्स रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, तो यहां भी सेम वैसे ही करेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर टेन वर्स रूट एक्स, जिसको कि हम चेन रूल से डी बाई सबसे पहले क्या लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ई की पावर क्या है टेन वर्स रूट एक्स है, तो इसके रिस्पेक्ट में टेन वर्स रूट एक्स के रिस्पेक्ट में e की पावर tan इनवर्स रूट एक्स का डीसी इनटू, इस बार अब फोकस किस पर करेंगे tan इनवर्स रूट एक्स है ना, इसका डीसी रूट एक्स से रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो d बाई डी रूट एक्स यानी रूट एक्स से रिस्पेक्ट में किसका tan इनवर्स रूट एक्स का, और फिर इनटू रूट एक्स का डीसी, रूट एक्स का डीसी तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता ही है 1 by 2 x कई बार देख चुके हम लोग, और इस तरह से ये e की पावर tan इनवर्स रूट एक्स ही रह गया, e की पावर किसी चीज का डीसी वही रह जाता है, ये गलती से बराबर हो गया यहां पे मल्टीप्लाई होगा ना, तब d by tan इनवर्स रूट एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या कर दिया, हाँ ठीक है, ओ माई गॉड नहीं सही था यार dx लिखे था ना, यहां से काम शुरू करता ना, सही है ना, अब tan वर्स रूट एक्स का डीसी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, tan का डीसी हमें पता है ना 1 बाई 1 प्लस tan वर्स x होता है x स्क्वायर होता है, यहां tan वर्स रूट एक्स है रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा x और इंटू रूट एक्स का डीसी, बार बार क्या समझाएं पता ही है 1 बाई 2 रूट एक्स, और इस तरह से थोड़ा सा इसको बस लिख देंगे और क्या लिख देगा e की पावर tan इनवर्स रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसे लिया है, यहां पर भी सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं यू बाई वी फॉर्म का है, बट समझ रहे हैं यू बाई वी फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा फॉर्मूला उसका क्या कहिए थोड़ा टेढ़ा टाइप का होता है,
तो अगर हम इसे कुछ सिंप्लीफाई कर सकें, देखें स्क्वायर रूट के अंदर फिर एक्स स्क्वायर है फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो डिनोमिनेटर से अगर फ्री कर लें, डिनोमिनेटर को कुछ छोटा कर लें, ऐसा कुछ अगर हो सके तो हमें सुविधा होती है ना। तो देख रही है सिमेट्री, जस्ट यहाँ प्लस यहाँ माइनस बाकी सब ऐसे ही है। तो थोड़ा दिमाग लगाते हुए एक लाइन का बचत कर रहे हैं। आप यूं समझिए कि जो न्यूमरेटर में 20 प्लस 20 है, इससे हम ऊपर नीचे गुणा कर दिए है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, होल स्क्वायर भी तोड़ ही देते हैं तो अलग अलग सब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस टू ए बी, मतलब टू इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस दोनों रूट के अंदर है, तो रूट को एक साथ करके एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला से इसे एक्स की पावर फोर माइनस वन लिखा जा सकता है। और डिनोमिनेटर की बात करें, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा वन, और ये माइनस माइनस प्लस वन मतलब टू। देखिए कितना आराम से नीचे कांस्टेंट आ गया, बहुत अच्छी बात है, कांस्टेंट साइड में रहेगा, अब कोई लफड़ा नहीं, हमें बस ऊपर करना है यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू के फॉर्म में। अब ये वन वन भी कैंसिल हो गया, बचा कितना, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स की पावर फोर माइनस वन बाई टू। चलिए ये टू भी कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स की पावर फोर माइनस वन। देख रहे हैं कहां इसको डिफ्रेंशिएट करना, कहां इसको यू प्लस बी फॉर्म का है, जिसमें ये तो बड़ा सिंपल है कि स्टेप में, और ये जरा फंक्शन ऑफ फंक्शन है। पहले रूट का काम करेंगे एक्स की पावर फोर माइनस वन के रिस्पेक्ट में, अगले स्टेप में एक्स की पावर फोर माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में हो ही जाएगा है ना। क्यों, तो ये यू माइनस बी फॉर्म का है, यू का डीसी माइनस बी का डीसी यानी माइनस वन का डीसी, एंड देयरफोर डीवाई बाई डीएक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स की पावर फोर माइनस वन, यू प्लस बी फॉर्म का है, एक बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स की पावर फोर माइनस वन। चलिए थोड़ा सा यहां से और शॉर्ट करते हैं, ये सीधा टू एक्स हो जाएगा। अब इसमें हम चेन रूल लगा नहीं रहे हैं, आप सिंपल समझिए, पहले रूट का काम करेंगे, रूट का काम करेंगे तो रूट के अंदर जो भी है टू टाइम्स रूट वो आ जाएगा, जैसे रूट एक्स का डीसी का फॉर्मूला वन बाई टू रूट एक्स होता है वैसे ही हो जाएगा। बट ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स फोर माइनस वन के रिस्पेक्ट में होगा, तो फिर एक्स फोर माइनस वन का डीसी करेंगे, एक्स फोर का डीसी क्या होगा, फोर एक्स क्यूब पावर चार पीछे आएगा, एक्स पर एक पावर कम हो जाएगा और वन का डीसी जीरो ही होगा, यही रह जाएगा। और इस तरह से 2x प्लस ये 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 रह जाएगा, 2x क्यूब बाई रूट एक्स की पावर 4 माइनस वन लिख सकते हैं ऐसे। इस तरह से ये डिफरेंशिएट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन y गिवन है log ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर क्या देख रहे हैं, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और हमें प्रूफ करना है dy / dx से 2x होगा। इस क्वेश्चन का पैटर्न देखते हुए, स्ट्रक्चर देखते हुए, खासकर ये प्रूफ करना है हमें कि वैसा होगा, तो देख रहे हैं ये tan में वो sec है, sec 2x मींस क्या, dy / dx को अगर 1 / cos 2x ले आएंगे तो ये cos 2x रिवर्स होकर क्या हो जाएगा, sec 2x हो जाएगा। तो ये नहीं भी कर सकते, बाद में हमें करना पड़ेगा फिर टेन को कन्वर्ट साइन कॉस में, बट इनिशियली क्वेश्चन का पैटर्न देखते हुए हमें क्या प्रूव करना है, इससे बेहतर होगा कि हम इसे पहले साइन कॉस फॉर्म में कर लें। समझ सकते हैं ये साइन बाई कॉस होगा, फाइनली ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सही है ना, ऐसा हो गया।
हमें dy by dx निकालना है। अब दो बात है कि हम डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दें या थोड़ा सा और अगर चाहे तो इसे cos x प्लस साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। ऊपर cos x प्लस साइन x का स्क्वायर होगा, रूट खत्म हो जाएगा और नीचे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, a प्लस b a माइनस b, तो cos 2x आएगा। लेकिन नीचे तुम्हारा रूट से फ्री, मतलब रूट से फ्री नहीं हो पाएगा, ऊपर रूट से फ्री होगा तो लफड़ा तो रह ही जाएगा। तो हम इसे ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। अब आप समझ सकते हैं थोड़ा सा लॉग है तो लॉग के प्रॉपर्टी का यूज कर ले हम लोग, तो ये लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, रूट छूट गया। या एक बात, लॉग का फायदा ये रूट का भी क्यों ना उठा लें, सही है ना, ध्यान नहीं रहा इसको हम क्यों ना ऐसे कर ले, हाफ से लेकर लेते हैं टोटल का पावर हाफ करेंगे ना, हम सिर्फ इसको फोकस कर दे, लॉग ध्यान ही नहीं आया। तो लॉग पावर हाफ हो गया और ये 1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स, तो मैंने रूट से फ्री वर्क बहुत राहत हो गया ना, तो लॉग है तो ये फायदा हमें उठाना चाहिए। ये समझा ना आपने कैसे हुआ, ये रूट है ना, तो यहां पर पावर हाफ इसको समझते लॉग में प्रोपर्टी का था ना, पावर होता है पीछे कर लेते हैं। अभी हम लोग जो देख रहे हैं क्या करते हैं, इलेवन क्लास का लॉग देख रहे हैं। आप लोगों में से अगर किसी को लॉग में प्रॉब्लम है तो इसके साथ ही वो वीडियो चल रहा है, दो वीडियो डाले हैं लॉग का, एक और प्रॉब्लम का वीडियो डालेंगे। लॉग का समझने की बात फ्री, मतलब हो चुका है वो, उससे फ्री हो गए। थ्योरेटिकल बात जितना भी समझना था इनिशियली वो बेसिक सारा हो चुका है, क्वेश्चन उसमें चल रहा है, तो चाहे तो आप उस वीडियो को भी इलेवन का देख सकते हैं, ठीक है। तो पावर पीछे कर लिए और इस तरह से हाफ लॉग, और जैसे भी हमने समझाया था ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्लियर है ना, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, ये कॉस कॉस ऊपर नीचे दोनों का एलसीएम आता सेम सेम, कैंसिल हो जाता है ना, इसके डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स, इसके डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स, तो फाइनली कैंसिल हो जाएगा और फिर यू बाई वी फॉर्म से फ्री कर ले इसको। ये हाफ ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हुआ फाइनली। एंड देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स हाफ कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और अंदर भी इसका डीसी माइनस इसका डीसी, इसका डीसी क्या हो जाएगा, तो लॉग का डीसी जस्ट इसका रेसिप्रोकल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बट किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डीसी को क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, इसका डीसी क्या आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख देते हैं, ठीक है, माइनस इसका डीसी। तो पहले लॉग का काम करेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर में आएगा और फिर इसका डीसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डीसी क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, दोनों माइनस हो जाएगा ना, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो उस माइनस को भी आप प्लस कर ले समझ लेंगे ना, दोनों से माइनस निकाल के प्लस कर लिए और यहां पर दोनों को प्लस ही रहने दिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सही है, डीसी हो गया। अब रिजल्ट हमें सेक 2x का रहा है तो अब प्रोसीड थोड़ा करना होगा, अगर सही रिजल्ट है तो आएगा, आना होगा इसे हाफ, समझ सकते हैं नीचे दिस इंटू दिस आएगा, जिसे कि हम चलिए लिख ही देते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां की बात करें तो दिस इंटू दिस होगा प्लस दिस इंटू दिस, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस यहां साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर,
यानी cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, सही है ना। आप समझ सकते हैं नीचे क्या a प्लस b a माइनस b है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये cos 2x हो जाएगा। तो ये हाफ हुआ और थोड़ा सा आते हैं कैलकुलेशन में, इसका ऊपर आप देख करेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, यहां भी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, पेयर वाइज ये cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x जुड़कर एक होगा, sin स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x जुड़कर एक होगा, मतलब 1 1 कितना हो गया 2। बाकी जो मिडिल टर्म आएगा माइनस टू कॉस एक्स साइन एक्स, इसमें आएगा प्लस टू कॉस एक्स साइन एक्स, ये माइनस प्लस सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर में सिर्फ टू ही रहेगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी डायरेक्ट हम फॉर्मूला से कॉस टू एक्स कहेंगे, और इस तरह से ये टू टू भी कैंसिल हो गया हाफ और ये टू, और कॉस टू एक्स को ऊपर कर लेंगे सेक टू एक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, तो प्रूव करें कि अगर y ऐसा है तो dy बाय बाई dx 1 माइनस y स्क्वायर होगा। सिंपली dy बाय dx अगर फाइंड करने का था तो ज्यादा परेशानी नहीं था, ज्यादा लफड़ा नहीं था, लेकिन dy बाय dx का वैल्यू समझ सकते हैं आप, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो x के टर्म में आएगा, बट हमें प्रूव करना है 1 माइनस y स्क्वायर होगा। तो समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम डिफरेंशिएट करें इसको, dy बाय dx फाइंड करें, और ठीक है हमारा dy बाय dx x के टर्म में आएगा, हमें प्रूव करना ही ये होगा, तो जो भी हमारा dy बाय dx आया है उसको वही छोड़ के, और अब हम 1 माइनस वाई स्क्वायर को इवेल्युएट कर सकते हैं ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब क्या, इतना बड़ा चीज इसका स्क्वायर, और ये करने के बाद हमारा जो डी बाई वाई एक्स आया उससे इक्वल होगा, तो हो जाएगा ना मिला क्या, दोनों तरफ इधर इसको एक्सेप्टर में निकाले और फिर इसको लेकर चले एक्सेप्टर में, क्योंकि वाई का वैल्यू हमें गिवन है, तो वाई का वैल्यू हम पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेप्टर में आएगा, है ना। तो पहले में से डिफ्रेंशिएट करते हैं, समझ सकते हैं इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन ज्यादा कुछ ये वो करने का मेरे समझ से गुंजाइश ही नहीं बन रहा है ना, तो सिंपली इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स होगा क्या, आप देख रहे हैं ये यू बाई डी फॉर्म का है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, ऊपर क्या होता है तो नीचे का फंक्शन जो है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ऊपर वाले का डीसी, समझ सकते हैं ए की पावर एक्स का डीसी ए की पावर एक्स ही रहेगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स का डीसी ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, बट किसके रिस्पेक्ट में, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर इसमें गुना कितना करते हैं, माइनस एक्स का डीसी माइनस वन, इस माइनस वन से करते ही समझते हुए यहां प्लस कर देंगे, समझ में आया, सही है ना। ये गुना इसका डीसी, इसका डीसी हम कर रहे हैं ये होगा कैसे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, सो दैट ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये एक टर्म हुआ, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर यहां जो है e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स और इनटू डिनोमिनेटर का डीसी, इसका डीसी e की पावर एक्स और फिर e की पावर माइनस एक्स का डीसी को जोड़ेंगे इसमें, जो कि माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस आएगा, माइनस हो जाएगा ना, मतलब माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये हुआ। और इस तरह से नीचे हो गया e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऊपर की बात करें तो ये e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स सेम सेम है होल स्क्वायर, माइनस ये भी दोनों सेम सेम है इसका होल स्क्वायर, यानी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और फिर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर, सही है ना। अब दिस इक्वल्स इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ये समझ पा रहे हैं ये क्या आएगा, e की पावर 2x, सही है ना, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस टू एक्स प्लस टू, पता नहीं समझ में आया,
प्लस टू आएगा, कैसे प्लस टू आएगा, तो टू ए बी का टर्म करेंगे ना, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स मतलब क्या, बेस सेम है, ई की पावर एक्स और प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब ई की पावर जीरो हो जाएगा, माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे ई की पावर एक्स का स्क्वायर ई की पावर टू एक्स, फिर प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस टू एक्स, जैसे इसमें किए थे। अब मिडिल टर्म इसमें प्लस टू आया था, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस टू, नीचे तो यही आ रहा है हमारा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसे हम छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि देख रहे हैं वाई स्क्वायर करेंगे तो नीचे का होल स्क्वायर चाहिए ना, इसको बचा कर रखे हुए, चलो ठीक है ऊपर मैनेज करना है। और इस तरह से ये ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, ई की पावर टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस टू एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, आएगा टू और प्लस टू कितना, फोर, फोर बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। आप समझ सकते हैं हमारा डीसी तैयार है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा निकल चुका है, लेकिन ये अभी प्रूफ हमारा नहीं हो पाया है कि डीसी तो हो गया, बट डीसी इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर जो हमें प्रूफ करना है ना। अब दो रास्ते हैं, या तो इसको हम यही छोड़ दे डीवाई बाई डीएक्स, नाउ वी सिंप्लीफाई वन माइनस वाई स्क्वायर बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई लाइक दिस, जो भी वाई का वैल्यू है इसे पुट करेंगे हम और वन माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर ये ऐसा आता है तो हमारा काम हो जाएगा, एक रास्ता। दूसरा रास्ता कि हमें पता है ये टूवर्ड्स विच डिरेक्शन हमें जाना है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर चाहिए, और ये भी देख रहे हैं वाई स्क्वायर में नीचे का तो स्क्वायर आ चुका है ये, तो अपने मन से अगर हम इसमें 1 ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट करें, ध्यान देंगे इस 1 को देखते हुए अब जो हम काम करें उस रिजल्ट की तरफ बढ़ने के लिए, तो 1 जाहिर है कि 1 को अगर आप यहां ऐड करेंगे तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, और माइनस में लाना है, तो क्यों यहां माइनस ही कर लें, ये 1 माइनस 4 बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये बात को समझा आपने क्या किया, ये तो बड़ा सिंपल, 1 है माइनस, देख रहे हैं ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, माइनस और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस 4 बाई इतना बस यही बचेगा, तो ऐसे क्यों लिखे इसको देखते हुए 1 माइनस यहां प्रोड्यूस किए, और सारा दिमाग अब हम इस पर लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन सही है तो इसे सर्टेनली वाई स्क्वायर आना पड़ेगा, आना चाहिए, और इस तरह से ये 1 माइनस, अब इसे ऑपरेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, नीचे तो हमें छेड़छाड़ करना ही नहीं है, तो राइट फ्रॉम बिगनिंग इसे हम सेफ रखते आ रहे हैं, वाई स्क्वायर मैनेज करने में सुविधाजनक होगा, ऐसे ही छोड़ते हैं इसको। यहां समझ सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस फोर। तो समझ में आ रहा है आपको, ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर इंडिकेटर में है या नहीं है, इस फोर के साथ आप अगर e की पावर एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स कर देंगे तो कोई लॉस ऑफ एबिलिटी होगा क्या, तो इसे हम e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते कि नहीं, देखिए यहीं पर लगातार लिख रहे हैं, इसके बाद है ना, इसके बाद यहां दिस इक्वल्स हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स। हम डायरेक्ट लिखने के मूड में थे, लेकिन आप समझे ना यहां पर हमने क्या कहा, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी के फॉर्म में है, तो इसे a माइनस बी होल स्क्वायर कहेंगे, नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, नीचे तो हमारा ऑलरेडी मैनेज है ही शुरू से 1 माइनस, और अब इसे हम लिख देते हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। यही तो ढूंढ रहे थे हम लोग 1 माइनस, अब इसे y होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको लग सकता है ये अपने मन से इतना दिमाग कहां से लगाएंगे, तो देख रहे हैं ना जो लाना है दिमाग लगा कहां रहे हैं, ये रिजल्ट हमको दिमाग लगा ना, नहीं तो आप इसको यहीं 1 दे दीजिए,
इधर आप फिर सिंप्लीफाई कीजिए, नाउ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस इतना का स्क्वायर, कैल्सियम इतना का स्क्वायर आ जाएगा, इसको इधर लाइए उधर लाइए कीजिए, ये आएगा सर्टेनली आएगा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रूव करना है, कंडीशनल है, इफ वाई इक्वल्स हाफ लॉग, देख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, देन वी हैव टू प्रूव दैट dy by dx equals 2 cos 2x. 2 cos 2x means 2 upon sin 2x आएगा तो काम हो जाएगा, और 2 upon sin 2x means 2 upon 2 sin x into cos x, मतलब ऐसा ये समझ के सूत्र है कि 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x ही बड़ा सिंप्लीफाइड रहता है ना, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 2 कैंसिल होगा, ये 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 10 स्क्वायर एक्स में 2 इधर भी आ जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा फाइनली क्या, लॉग 10 एक्स, मतलब इसे हम इस तरह से लिख लें, हाफ लॉग 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला याद है ना, याद होना चाहिए तभी तो बात आगे हो पाएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 टू कैंसिल हुआ, हाफ लॉग 10 स्क्वायर एक्स, ये भी 2 पीछे आ गया, हाफ इंटू 2 log of 10x, 2 खत्म हो गया, मतलब log 10x रहा, and therefore dy by dx equals, पहले log का काम करेंगे जो कि क्या होता है 1 by 10x, log के साथ जो भी है वो reciprocal थोड़ा नीचे चला जाएगा, और फिर इंटू ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, 10x के रिस्पेक्ट में, नेक्स्ट चेन रूल से मल्टीप्लाई करेंगे 10x का डिफरेंशिएशन, अब जाहिर है 10x आप तो डायरेक्ट x का फंक्शन है, तो 10x का फॉर्मूला डायरेक्ट से का स्क्वायर x लिख देंगे, समझिए डीसी हमारा हो चुका, बट हमें 2 cos 2x लाना है, तो सबको sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 by 10x इसे cos x upon sin x का लेंगे ना, sin by cos cos ऊपर जाएगा ना, ये डायरेक्ट प्लॉट कर लीजिए इसको cos by sin into यहां पर इसे cos कर लें तो 1 upon cos स्क्वायर x, ये cos से cos कैंसिल होगा, 1 बाई यहां पर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, समझ सकते हैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि साइन 2x नीचे चाहिए और ऊपर भी 2 चाहिए रिजल्ट में, तो रिजल्ट हमारा डायरेक्ट आ रहा है, ये 2 बाई नीचे क्या हो जाएगा साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला याद है ना, 2 बाई साइन 2x मतलब 2 cos 2x। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें कह रहा प्रूव कीजिए इसका डेरिवेटिव, देख रहे हैं जो भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, सोच सकते हैं क्या करेंगे, साइन वर्स x का डेरिवेटिव याद है ना, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, काम पड़ेगा ना इसमें, साइन इनवर्स यहां पर है, देखिए इसका डेरिवेटिव है ना, LHS लेकर चलते हैं, RHS उसमें डिफाइड है ही, उसका क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो लाने का प्रयास करेंगे, इसको d by dx of इसको u plus v जैसा ट्रीट करेंगे ना, x by 2 under root a square minus x square plus d by dx of a square by 2 sin inverse of x by a, समझ सकते हैं ये 1 by 2 तो कांस्टेंट है, बाहर इसको कर लिए, और अब जो इसका डीसी है इसे हम u इंटू वी फॉर्म समझ सकते हैं, x इंटू रूट इतना
तो यू इंटू वी फॉर का डीसी कैसे होता है, एक बार यू मान लीजिए इसे लिखते हैं एक्स जो करते हूं और इसका डीसी, जैसे इसका डीसी की बात करेंगे रूट है तो टू टाइम्स रूट सहित ये नीचे आएगा, बार बार ये काम आज ही कितना बार कर चुके हम लोग, रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी वन बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट किसके रिस्पेक्ट में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी, तो ए स्क्वायर का डीसी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स क्या ऊपर ही आएगा ना, जीरो हो जाएगा ए स्क्वायर का और माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स, सही है ना। अभी क्या कर रहे हैं ध्यान देंगे, u into v form का differentiation कर रहे हैं जिसमें u गुना dv by dx हुआ है और फिर प्लस क्या करेंगे v, v मतलब a square minus x square और into x का dc क्या हो जाएगा वन, आप तो यहां चुका देख रहे हैं ना, आपको मैं बाहर कर लिया है, ये हो गया इसका dc। अब इसका dc इसमें a square by 2 constant है, बाहर कर लिए इसको, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डीसी, समझ सकते हैं साइन इनवर्स कुछ का भी डीसी क्या होता है, तो वन बाई वन माइनस उस कुछ का स्क्वायर, यानी एक्स बाई ए का स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, बट किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स बाई ए के रिस्पेक्ट में, एक्स बाई ए के रिस्पेक्ट में। इसके बाद फिर क्या करना होगा हमें, तो एक्स बाई ए को डिफ्रेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो x बाई ए मीन्स क्या वन बाई एक्स का डीसी वन और मल्टीप्लाई बाई वन बाई ए, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा इंटू वन बाई ए, सही है। बस अब सिंप्लीफाई कर देना, अगर क्वेश्चन सही है तो आ जाएगा, समझ सकते हैं ये क्या समझ जाएगा हाफ। और इसकी बात करें तो यहां पर देख रहे हैं ये माइनस टू एक्स स्क्वायर यहां पर होगा, यहां हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई, या टू को कितना दूर तक पाएंगे, इसको कैंसिल ही कर देते ना, क्या टू टू कैंसिल कर दिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा यहां भी सावधानी से कैलकुलेशन करेंगे, समझ सकते हैं ये एक ये चाहे तो कटा ही ले यहां पर ए बाई टू, यहां ध्यान देंगे रूट के अंदर यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए स्क्वायर जो कि रूट से बाहर ए बन के निकलेगा और ए फाइनली कहां जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख लीजिए थोड़ा सही है ना, इस एक ए को कटा लिए बाकी एक यहां से भी आएगा ऊपर गया, सही लग रहा है ना। और इस तरह से अब सिंप्लीफाई करें हाफ, यहां पर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर ये गुना ये, समझ सकते हैं रूट से थ्री हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ सकते हैं हाफ से मतलब टू, यहां भी मल्टीप्लाई है यहां भी टू इतना है, तो अच्छा होगा कि हम दोनों को एक साथ कर लें क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड रिजल्ट ये चाहिए ना, तो टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे हो गया एलसीएम इन दोनों का, यहां पर क्या हो जाएगा तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहां से आएगा फिर प्लस ए स्क्वायर, है ना, सही है ना, नीचे तो सेम ही है ना, आप देख रहे ना ये टू यहां पर है, ऐसा नहीं देखेंगे यहां पर टू है कहां, ये टू है यहां तो नहीं है, यहां ये होगा ना ये, दिस इक्वल्स आप समझ सकते हैं इसमें ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, इसमें टू अगर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे तो टू है ही पहले से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
ये टू टू कैंसिल हो गया। अब देख पा रहे हैं ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे यही चीज स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना, आज यही छोड़ रहे हैं और अगली क्लास में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अक्सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जिसको कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो फंस जाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसमें अगर कुछ सॉल्यूशन करके नहीं पढ़े थे इनवर्स में कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म कभी एक्स को एक साइन थीटा या ए टेन थीटा ए से थीटा वगैरह मान के या एक्स इक्वल्स कॉस टू थीटा, तो इस तरह से वो जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा और उसे डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा। और बाद में क्या करेंगे, अगर साइन थीटा को हमने एक्स कहा है तो थीटा को रिप्लेस साइन इनवर्स एक्स से कर देंगे, है ना। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पर एक अलग मैक्सिमम बुक में एक अलग चैप्टर ही उस पर रखा है, तो अगली क्लास में थोड़ा उस तरह के क्वेश्चन पर विचार करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। ओके थैंक्स, आप यही छोड़ रहे हैं।